एक चीज हो गई है ना, सुबह सुबह बगैती क्या हो गई, दिल्ली की सड़कों पे एक बार फिर से अबे खड़े होने की जगह नहीं है भाई, देख रहे हो भीड़ देखो यार। फिफ्थ फ्लोर पे बैठा हुआ और एक चीज चेक करो भाई, ये चेक करो भाई, मर्सिडीज जी वैगन है भाई, ये चेक करो गाइस, ये चेक करो, इतना खतरनाक फ्लोर है भाई, यहाँ पे पूरा व्यू दिख रहा है साइबर सिटी का। ये चेक करो गाइस, अमीरी चेक करो, ये चेक करो भाई, लुक चेक करो भाई, एक सच बताऊं एकदम लग रहा है जाट लौट रहा है, दूसरा अंदर का पता चलेगा, बहुत भीड़ है भाई। हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल, तो कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस स्वागत है आपका आज वाले ब्लॉग में भाई, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है भाई 4 बजे, बिकॉज क्या है ना, हम कहीं जा रहे हैं लंबे टूर पे, कहाँ जा रहा है गाइस वो आपको आगे चल के पता चलेगा, बाकी मिलो अपने डी आर बी भाई। गुड मॉर्निंग गाइस, तो 4:30 हो रखा है, 4:30 बजे रात देखो कितनी हो रही भाई, ये चेक करो भाई, रात हो रही है भाई, हमें जाना है जंक्शन पे और 4:30 बज चुका है, 4:55 की ट्रेन है और पता नहीं है टाइम से पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे भाई। और सामने रोड चेक करो भाई यार, ये देखो पूरा सुनसान हो रखा है भाई, डर सा लग रहा है, खुले पैसे नहीं है, खुले पैसे मांग रहा, बड़े आदमी से खुले पैसे मांग रहा है। 2000 years later ट्रेन तो मिल चुकी है, सही टाइम पे चल भी गई है, ठीक है, लेकिन एक चीज हो गई है भाई, सुबह सुबह बगैती क्या हो गई, हमें 95 रुपए का टिकट 115 रुपए का पड़ा भाई, देख रहा हूँ क्या बगैती हुई है, मतलब लेना इसलिए पड़ा क्योंकि हम लेट हो गए थे, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बोला था 4:30 तो चौपले पे ही बच गया था हमें, तो 4:55 की ट्रेन थी, तो देखो चल भी गई है ट्रेन, में दिखा देता हूँ आपको, ये चेक करो भाई। दिक्कत ये हो गई कि 95 रुपए का टिकट हमें 115 का पड़ गया ब्लैक में भाई, लेट हो गया, मैं तुझसे कह रहा था 3 बजे उठ जाते तो 4 बजे यहाँ पे आराम से आ जाते, तब लेना नहीं पड़ता इतना महंगा टिकट। हाँ ट्रेन भी खाली है यार, जनरल डिब्बे में बैठे हम लोग, उसमें भी बैठे तब भी अच्छी भीड़ नहीं है, लेकिन आगे जाके पूरी कोच भर जाएगी। तो कुल मिला के बात करी जाए तो हमें 230 रुपए का टिकट पड़ गए और कहाँ हमें 190 रुपए का टिकट पड़ रहे थे, तो वही थोड़ा लॉस हो गया सुबह सुबह, बट कोई ना, इतना तो चलता है यार सफर में। शाम कैसे बैठे हो आज, अभी गर्म इसलिए नहीं पड़ रहा भाई, मोटा खर्चा बैठ गया अभी सुबह सुबह भाई को चेक करो एक बार, कहाँ जा रहा भैया, दिल्ली जा रहा हूँ, चलो भैया अपने साथ वाले तो फाइनली गाइस यार अभी हापुर पहुंचे हैं, जब हम चढ़े थे ना तब ट्रेन पूरी खाली थी, अभी ट्रेन चेक करो गाइस कितनी भीड़ हो रखी है, देखो यहाँ भी भाई बंदे खड़े हुए हैं और यहाँ भी चेक करो गाइस, मतलब भीड़ हो रखी खतरनाक वाली भीड़, अगर हम जरा सा भी इस सीट से उठे ना भाई तो सीट बुक हो जाएगी भाई, देखो कैसे बैठे हुआ भाई, अलग ही चीज है भाई, मजा आ रहा है भाई, 3 से 4 घंटे हो रखे हैं यहाँ बैठे बैठे और हालत खराब हो रखी है, क्योंकि एक जगह बैठे हुए ना कहीं उठ बैठ नहीं रहे यार, अगर उठ बैठ जाए ना तो थोड़ा टाइम पास हो जाए, व्यू देखने को इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि यार स्वेटर गर्म हुआ ठंड की वजह से, ये चेक करो भाई, बाकी यार 3-4 घंटे हो रखे हैं बैठे बैठे तो हालत खराब हो गई है बहुत ज्यादा यार, इनका सफर तो फिर तुम्हें पता ही, जनरल डिब्बे में आए वो भी इतना महंगा टिकट लेके, अमीरी तो यहाँ चल रही है, यहाँ अमीरी देखो यहाँ क्या ही कर सकते हैं यार, जो लिखा है वो लिखा है यार, उसे ध्रुव भाई मिटा नहीं सकते ना, ऋतिक मिटा सकता ऋतिक भाई आ रहा है, ठीक है, लोकेशन देख देख के भाई ट्रेन दौड़ा रही है आगे, वो सिनेमैटिक चेक कर, सही चल रही है, सही चल रही है, पता नहीं आपको मेरी शक्ल दिख रही है नहीं दिख रही है, अंधा तीर मार रहा हूँ भाई मैं, ये मुस्कुराहट चेक करो भाई, जनरल डिब्बे में जा रहा, अबे भाई नहीं, मेन चीज क्या है ना भाई, जनरल भी सही है वैसे देखा जाए तो, रिजर्वेशन कर करके ना बोर हो गए यार, इसलिए जनरल गाइस, यहां पे चाय किसी को समोसे वाले नहीं आ रहे, चाय पे चाय आ रहा है, कितनी चाय पिया लग रही है भूख भाई, भूख लग रही है बहुत तेज, और अभी छोले के अलावा कुछ नहीं आया, भटूरे भी नहीं आए, पूरे खाली छोले आए लौंडे कह रहे भटूरे तो ला दो, तो ये क्यों दिखा रहे आईफोन का सो वो भी 7 आईफोन 7 प्लस फाइनली गाइस 5-6 घंटे के बाद भाई एंट्रिंग दिल्ली, और भीड़ चेक करो स्टेशन में, भीड़ कितनी है भाई, भीड़ चेक करो एक बार, ये भीड़ चेक कर रहे हो क्या, खतरनाक भीड़ रखी है भाई, फाइनली दिल्ली पहुंच गए हैं और अभी चलते हैं भाई के घर और वहीं पे स्टे वगैरह करेंगे, दिल्ली किस काम से आए थे वो आपको आगे चल के बताऊंगा, ये चेक करो भाई, भीड़ चेक करो भाई, पीछे भी चेक करो और आगे भी चेक करो भाई, वो भी क्यों ना यार, क्योंकि सबसे बड़ा स्टेशन है दिल्ली का भाई, लेकिन गाइस एक चीज और बता देता हूँ भाई, 5-6 घंटे से जब से मैं बरेली से बैठा हूँ भाई, 5-6 घंटे होगा टॉयलेट नहीं करी, क्योंकि मैं उठता तो सीट गिर जाती भाई, बहुत तेज लग रही है भाई, अभी वहीं जाके करेंगे, फाइनली गाइस दिल्ली की सड़कों पे एक बार फिर से,
काफी अच्छा सा लग रहा है, यहाँ की धूप में भी थोड़ी गर्माई सी है। तो गाइस पहले चाय वाय पी लेते हैं क्योंकि कुछ खाया पिया नहीं है, सुबह से ऐसे ही बैठे हुए हैं। ठीक है, तो कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद मेट्रो स्टेशन पे चलते हैं, फिर मेट्रो में बैठते हैं, फिर भाई घर चलते हैं ना। तो फाइनली गाइस मेट्रो स्टेशन इज हियर और अभी मेट्रो का इंतजार हो रहा है, मेट्रो का वेट कर रहे हैं। 10-15 मिनट में आ जाइए ना। तो पहले यहाँ पे सीसे वगैरह कुछ नहीं लगे हुए थे बिकॉज क्या सेफ्टी पहले है। तो अभी मेट्रो आती है, चलते हैं जल्दी से बिकॉज क्या भीड़ बहुत होती है ना, तो जगह नहीं मिलेगी, हो सकता है खड़े होके भी जाना पड़े भाई। देखो मेट्रो आ गया, ये चेक करो, और भीड़ चेक करो यार, एक बार भीड़ क्या हो रखी है, घचाघच भरी हुई भाई मेट्रो। ये देखो भाई, अबे खड़े होने की जगह नहीं है भाई, देख रहे हो भीड़ देखो यार, भीड़ देखो यार, अरे वाह, जल्दी चलते रहो, बहुत भीड़ है यार, अंदर तो पता चलेगा, बहुत भीड़ है भाई, बहुत भीड़ है यार, बिल्कुल गेट के पास खड़े हुए भाई, अलगा था भी गेट खुला सीधे बाहर गेट के। तेरे भाई दिख नहीं रहा, तेरे भाई को डर लगता थी भीड़ में, और भीड़ में खड़ा होना पड़ गया भाई को। कैसा लग रहा है, आवाज़ नहीं निकल रही है। हमें जाना है वो लास्ट तक, देखो वो रेड लाइट दिख रही होगी आपको, ब्लिंक कर रही है, हमें वहाँ जाना है स्टेशन पे, और खड़े होके जाना पड़ेगा भाई, हालत खराब हो जाएगी। देख रहा भाई निकलने वाले कोई जगह नहीं मिल रही है भाई। तो फाइनली गाइस ऋतिक भाई इज हियर, 7 घंटे बाद दर्शन हो रहा भाई के, ये चेक करो भाई, ऋतिक भाई तुमने थका दिया तुम्हारी कसम यार, ट्रैवल भाई ट्रैवल करो, और सबसे ज्यादा पता है ट्रेन में नहीं थके हम लोग, थके मेट्रो में, हाँ खड़े होके आए ना पूरे 1-1.5 घंटे, सीट नहीं मिली यार। तो भाई दिल्ली के छोले भटूरे चेक करो और ये चेक करो, हाँ क्यों ऋतिक भाई गन्ना मिल जाता टेस्ट है ना, भीड़ तो वैसे उधर भी रहती गन्ना मिल पे। तो गाइस अभी खाते हैं छोले भटूरे और टेस्ट चेक करते हैं कैसा, क्योंकि गन्ना मिल वाले कहाँ हैं, उसके बाद अब ये चलना है रात में सनसनाटी पैसा। अबे गाइस ये देखो 1 लाख के फोन की अम्मा बहन एक कर दी गाइस, अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, अम्मा बहन पे देख रहा हूँ गाइस, ऋतिक भाई का फोन है, इन्होंने लहर काट दी फोन की भाई, हो क्या था ऋतिक भाई, ये थोड़ा बहुत बताओ यार मैच्योरिटी से। तो फाइनली गाइस अपार्टमेंट में पहुंच चुके हैं ऋतिक भाई, अब ये बताओ हमारे आने से कैसा लग रहा है भाई, अब तो अपना लग रहा है, गुड़गांव लग रहा है, बरेली है, गुड़गांव लग रहा है, नेकपुर है, लेकिन गाइस एक चीज बता देता हूँ, जहाँ अभी इस टाइम मैं बैठा हूँ ना 5th फ्लोर पे बैठा हुआ हूँ, और एक चीज चेक करो गाइस, ये चेक करो गाइस, ये देख रहा हो आगे से लेके पीछे तक पूरा इधर साइड मोहल्ला देखने को मिल जाएगा, और इधर भाई बिल्डिंग देखने को मिल जाएंगी खतरनाक वाली। और भाई थकेले बढ़िया लग रहा है, जिंदा खाली चलेंगी ब्लॉग में, कोई इज्जत उज्जत नहीं, कोई खानदान नहीं, कोई पानदान नहीं, दिल्ली वाले हैं आप, कोई इज्जत उज्जत नहीं, कहीं यहाँ को जा रहे हैं, रामनगर को जा रहे हैं, कभी जा रहे हैं, कभी फेवर सिटी जा रहे हैं, कभी स्त्री जा रहे हैं। इधर की सबसे फेमस जगह कौन सी है जहाँ पे, साइबर सिटी, मतलब एकदम हरियाली हरियाली, शाम को चलेंगे गाइस, गर्मी लग रही बहुत है, गर्मी लग रही बहुत, टेम्परेचर हाई लेवल है। फाइनली गाइस जैसे कि आपको पता अभी बैठे थे टेरेस पे, तो टेरेस पे अभी नीचे आए भाई, और नीचे आने के बाद ऋतिक भाई ने खर्चा करा मोटा भाई, ये चेक करो भाई, बिरयानी चुप्पा खा ले, बिरयानी खाओ मजे में रहो भाई। तो अभी चलते हैं शाम के टाइम में कहाँ पे, साइबर सिटी भाई, आज ऐसी सिटी दिखाएगा वहाँ पे, समझ लो थाईलैंड से कम नहीं है वो सिटी, ठीक है ना, तो आपको बने रहो व्लॉग में सब देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अभी बिरयानी खाते हैं, उसके बाद चलते हैं साइबर सिटी। 2000 years later आ गए टेम्पो में, टेम्पो नहीं है मर्सिडीज है, साइबर सिटी मर्सिडीज जी वैगन है भाई, टेम्पो चेक करो गाइस एक बार, ये चेक करो गाइस, ये चेक करो भाई, ये देखिए लाइट देखो, आराम के जूते, मेरे जूते मेरे दादा मेरे गाइस, आराम के जूते पल्ले आराम पे, उसे लिए जूते दे दिए ही नहीं है, वापस नहीं करे, आपने बरेली के टेम्पो देखे होंगे, और आप ये टेम्पो देखो भाई क्या खतरनाक टेम्पो है भाई, मेरी टेम्पो भी खतरनाक, देख रहे हो कार यहाँ पे भाई शीशे लगा हुआ, देख रहे हो इस पे ज्यादा पैसा हो, मतलब जो समझता है अपने आपको पैसे वाला, वो उधर पेटीएम कर देना, लेकिन है नाम है मैं लेके जा रही हूँ बाबू को।
बाबू भी लेके जा रहा है बाबू को। यहाँ बाबू बाबू बहुत है भाई, सिस्टम है यहाँ का। गाइस एक बार लोकेशन चेक करो भाई, ये मैंने दुबई, इंडिया में दुबई भाई, तुम्हें दुबई जाने की जरूरत नहीं है, इंडिया में तुम्हें दुबई देखने को मिल जाएगा। जेब में ना मनी भाई होनी चाहिए, दिल्ली वाले पैसे ना हो तो यहीं आ जा, मतलब जे आया आड़ू हम पे तो पैसा तो आया, जे आया ध्रुव गाइस ये जो एरिया है वो है साइबर सिटी जो की पड़ती है दिल्ली में भाई, जैसे की आपको पता तुम्हारा भाई दिल्ली आया। और एक बार व्यू चेक करो यहाँ का भाई, व्यू है यार, लौंडे और आ रहे हैं, कम से कम 5 लौंडे हैं, 6 साल लौंडे हैं और फुल तफरी आने वाली है। अभी आए थे फर्स्ट फ्लोर पे भाई, बैठ गया है, यहाँ से जो व्यू दिख रहा है ना खतरनाक व्यू दिख रहा है भाई। ये है यहाँ की साइबर सिटी भाई, मिनी दुबई है भाई, विदेश के लिए पैसे नहीं है भाई, दिल्ली से आ गई है गुड़गांव, ठीक है गुड़गांव आ जाओ साइबर सिटी, तुम्हें पूरी फील ऐसी आएगी जैसे तुम फॉरेन कंट्री में रह रहे हो भाई। जिस पे बजट कम है उसकी बता रहा हूँ, बाकी तो यार तुम लोग वही कर रहे हैं। अपने बरेली में क्या होता ना, ढूंढना पड़ता सिस्टम, यहाँ खुद चल के आ रहा है और इतना मजा आ रहा है ना भाई यहाँ पे, सिस्टम अलग ही है यार, तुम ब्लॉग चेक करो यार। अभी आए थे सेकंड फ्लोर पे, वहां से पूरा व्यू दिख रहा है साइबर सिटी का, ये चेक करो भाई, देख रहे हो क्या मस्त व्यू आ रहा है भाई। और यहां से ना एक नंबर फोटोग्राफी हो रही है, इंस्टाग्राम का आईडी दे दूंगा यहां पे आ रही होगी, चेक कर लेना फोटोग्राफी कैसी हुई है, ठीक है। तो बाकी अभी यहां से निकलते हैं क्योंकि टाइम ही बहुत हो रखा है, बाकी कल वल देखेंगे क्या सीन है क्या सीन नहीं। देखो फोटोग्राफी चल रही है उधर, शूट कर दूं, ये चेक करो गाइस, अमीरी चेक करो, ये चेक करो भाई। लोकेशन कैसी लग रही है, बढ़िया, बहुत बढ़िया, पहली बार देखी ऐसी लोकेशन। अच्छा पहली बार आए हो, अरे मैं भी पहली बार आया हूं यार, ये भाई परेशान है, लुक चेक करो भाई, एक तुम्हें सच बताऊं एकदम लग रहा है जाट लौंडा यार, खत्म उसी का भैया लग रहा था छोटा। जब वो साइकिल पे थे तब हम स्कॉर्पियो में थे, जब वो टॉफियों में थे हम चौकियों में थे, हम पैसे में ना हारे थे वो तौलियों में थे, हम जिम में थे।